नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरटीके इंजीनियरिंग बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एसएससी जेई 2019 में आया हुआ है और आने वाले सभी कंपटीशन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अधिकतर एसएससी जेई में जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप पेपर को रिवाइज जरूर करके जाएँ। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, वन क्यू मेक दिवस इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, 8.64 हेक्टेयर मीटर। नेक्स्ट, शारदा प्रकार के प्रपात का निर्माण क्यों किया गया, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, कटान की गहराई को कम करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बर्नौली समीकरण की एक अवधारणा है, तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, प्रवाह असंपीड्य है। तो बर्नौली समीकरण का अवधारणा क्या है कि प्रवाह असंपीड्य हो, द्रव अशयान हो, ये सब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, अपरूपण प्रतिबल होता है, अपरूपण प्रतिबल क्या होता है, एक स्पर्श रेखी प्रतिबल होता है, यानी फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट, यदि बर्नौली प्रमेय की अवधारणाओं के अनुसार द्रव आदर्श है तो इसका अभिप्राय है कि श्यानता शून्य हो। यानी करेक्ट आंसर चौथा है। नेक्स्ट, स्थिर सिरे से ए दूरी पर संकेतित भार W के अधीन स्पैन L की कैंटिलीवर बीम पर बिंदु भार के अधीन विक्षेपण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, WAQ/3EI। जैसे कोई बीम यहाँ पे है, कैंटिलीवर बीम है, इस तरीके से L लंबाई का है, इसका लंबाई जो है पूरा L है, कितना है L लंबाई। तो स्थिर सिरे से A दूरी पर यहाँ मान लीजिए कोई W भार लगा हुआ है, संकेंद्रित भार लगा भार हुआ, भार तक की दूरी जो है A है। इस टाइप के बीम को कंटिल्वर बीम के अधीन अगर बिंदु भार के अधीन है तो इसका विक्षेपण क्या होगा, WAQ/3EI। नेक्स्ट, एक बीम में स्टीरअप के बीच की दूरी क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सहारों के पास घटती है। एक बीम में स्टीरअप के बीच की दूरी क्या होती है, सहारों के पास घटती है। जितने आलम के पास आते जाते हैं, जिस तरीके से ऐसे है कि अगर कोई बीम है यहाँ पे मान लीजिए ऐसे है, यहाँ सहारा दिया गया है और यहाँ सहारा दिया गया है, अगर स्टीरअप यहाँ देते जाएं, अगर स्टीरअप जो है इस सहारे से इधर की तरफ बढ़ते जाएं तो उसकी बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, अगर इधर इसके सहारे आलम की तरफ आते जाएंगे तो उसकी दूरी घटती जाती है। नेक्स्ट, एक संक्रमण वक्र की लंबाई के परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, अपकेंद्रीय त्वरण। नेक्स्ट, एक साधारण समर्थित बीम की प्रभावी विस्तृति यानी स्पान है सहारों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो इसका जो इफेक्टिव स्पान होता है सहारों के केंद्र के बीच की दूरी होती है। जैसे इस तरीके से दो सहारा है, इन सहारों के बीच की दूरी जो है यही हमारा क्या होता है, इफेक्टिव स्पान होता है। ठीक, नेक्स्ट, ढलवा लोहे का निर्माण कोक और चूना पत्थर के साथ किसको पुनः पिघलाकर बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है चार, यानी कच्चा लोहा। ढलवा लोहे का निर्माण कोक और चूना पत्थर के साथ कच्चा लोहा को पुनः पिघलाकर किया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के कण का स्वतः शोधन वेग सबसे कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, महीन चिकनी मिट्टी और तलछट। नेक्स्ट, आप ट्रैंकिंग की वजह से फुटपाथों में प्रदान किए गए अतिरिक्त चौड़ाई चौड़ीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है
चौथा यांत्रिक चौड़ीकरण, जैसे फुटपाथों पे दिया जाता है जगह, तो हम आपको चित्र बना के बता रहे हैं। जैसे यहाँ हम ये रोड गया हुआ है, इस तरीके से यहाँ ये बढ़ा के दूरी गई है ना, अगर यहाँ से हमारा गाड़ी जाएगी तो इसका अगला पहिया तो मुड़ जाएगा, जो पिछला पहिया जाएगा तो यहाँ यहाँ किनारे पर सट जाएगा। इसी अधिकतर जो चौड़ाई अतिरिक्त दी जाती है, इसी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वाइंडिंग यानी यांत्रिक चौड़ीकरण। अगला पहिया तो निकल जाएगा आराम से, लेकिन पिछला पहिया उस पहिए पर ना जाके थोड़ा सा बाहर की तरफ भागने लगेगा। इसी कारण वही जो अतिरिक्त दूरी दी जाती है वही यांत्रिक चौड़ीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, मृदा ठोस का प्रति इकाई आयतन निमज्जित भार है, इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, उत्प्लावक इकाई भार। नेक्स्ट, चेंजी के सूत्र का उपयोग करते हुए सर्वाधिक किफायती अनुभाग के लिए व्यास डी के वृत्ताकार चैनल के माध्यम से अधिकतम निस्सरण के लिए प्रवाह की गहराई है, तो अधिकतम निस्सरण के लिए प्रवाह की गहराई जो होता है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है 0.95 डी। नेक्स्ट, ए 30 ग्रेड बिटूमन में ए का क्या अभिप्राय है, ए का अभिप्राय असम से है, इसका करेक्ट आंसर चौथा है। नेक्स्ट, इन ए जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, कर्व्ड। जैसे अगर दोस्तों, अगर इसमें जियोडेटिक सर्वे कहलाता है, अगर इसमें कंसीडर न किया जाए अर्थ को, तो वो सिंपल यानी प्लेन सर्वेइंग कहलाएगा। जब अर्थ के कर्व को कंसीडर किया जाता है तो जियोडेटिक सर्वे कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है यानी कर्व्ड। नेक्स्ट, कैंटीलीवर के लिए 10 मीटर तक की विस्तृति के लिए विस्तृति के मूलभूत मान और प्रभावी गहराई का अनुपात होता है, तो मूलभूत मान और प्रभावी गहराई का अनुपात कितना होता है, 7 कैंटीलीवर बीम के लिए 10 मीटर तक की विस्तृति तक के लिए। नेक्स्ट, संक्रमण वक्र में पार्श्व शिफ्ट को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, एल स्क्वायर अपॉन 24 आर। नेक्स्ट, सीमेंट उत्पादन में निस्तापित कैल्साइड उत्पाद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अवशिष्ट राग, यानी चौथा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। एरेटेड कंक्रीट इज इन वेट, यानी करेक्ट आंसर इसका है दूसरा, लाइट। एरेटेड मतलब इस टाइप के कंक्रीट जिसमें मतलब हवा के बुलबुले, मतलब हवा को मिलाया जाता हो, जगह जगह पे हवा बुलबुले हो, तो लाइट कंक्रीट का हो जाता है, क्योंकि डेंस रहेगा नहीं, उसमें हवा एयर रहता है, तो एयर की वजह से वो लाइट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। तो मैं आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।